अमर है, अमर है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर है, अमर है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर है, अमर है। धन्य माता भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर है, अमर है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर है, अमर है। मधुबनी जिले के बिस्फी प्रखंड मुख्यालय परिसर में आज माकपा बिस्फी अंचल द्वारा अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना एवं प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर हरि नारायण साह ने की। आंदोलन स्थल पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रांतीय मंत्री ललन चौधरी ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार जनता की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है। सरकार के कथनी एवं करनी में काफ़ी असमानता है। प्रदेश भर में लूट, डकैती, बलात्कार के साथ ही किसी भी कार्यालय में बिना चढ़ौना का काम नहीं होता। एक तरफ सरकार गरीबी मिटाए जाने की बात बोल रही है, तो दूसरी तरफ अभी भी समस्तीपुर में मनोज झा द्वारा अपने परिवार के 5 सदस्यों के साथ आत्महत्या गरीबी से तंग आकर कर लिया गया। सदन में विधायक दल के नेता अजय कुमार ने कहा कि भाजपा समर्थित सरकार अपने तुगलकी फरमान से राशन कार्ड को बंद कर गरीबों के साथ अन्याय कर रही है। जिला पदाधिकारी के नाक के नीचे मार्केटिंग ऑफिसर द्वारा बिचौलियों को रखकर खुलेआम भ्रष्टाचार कर रही है, फिर भी पदाधिकारी मौन है, क्योंकि नीचे से ऊपर तक कमीशन की बंदर बांट का सिस्टम तैयार है। अभी तक सरकारी जमीन पर बसे लोगों को वासगीत परचन नहीं दिया जा रहा है। बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है कि गाँव में लोग नहीं मिलते। सरकार चुनाव के समय जो जनता से वादे की, उन सभी वादों से पुनः सरकार में आने पर मुकर गई। यह सरकार हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव उत्पन्न कर राज करना चाहती है। अब वाम दल के लोग भाजपा के इस मंसूबों को पूरा नहीं देगी। इस देश की आज़ादी में सबों का सहयोग रहा है। अपनी 903 मांग पत्र जिला मंत्री मनोज कुमार ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा। कार्यक्रम के भोगी यादव, बिंदु यादव, पूर्णी देवी, सुमित्रा देवी, बाबूलाल महतो सहित कई लोगों ने संबोधित किया। बिहार मधुबनी से राजीव कुमार झा की रिपोर्ट, BNP न्यूज। लेकिन आप बता सकते हैं, कोई गांव का नाम बता सकते हैं कि जहां जनवितरण प्रणाली की दुकान से गरीब को 5 किलो अनाज मिलता हो? वो 5 किलो नहीं मिलता, वो 4 किलो मिलता, 4.5 किलो मिलता, और 13 रुपये के जगह पर उनसे 18 रुपया, 20 रुपया, 22 रुपया लिए जाते। और ये सब कलेक्टर के नाक के नीचे जो बैठा हुआ DSO है उसके नेतृत्व में आपको जो है MO मार्केटिंग अफसर के कार्यालय में होता है। कार्रवाई क्यों नहीं होती इन लोगों पे? कार्रवाई कैसे होगी? ऐसे ऐसे कई सबूत हैं जो इस बात की गवाही देता है कि राशन कम मिलता है लोगों को, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती। ऐसे कई सबूत हैं, इस भीड़ में अगर उठा ले तो सैकड़ों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी, हम लोगों के द्वारा आवाज उठाने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है। ये कार्रवाई कैसे होगी? मैं आपको कहूंगा, जब भ्रष्टाचारियों के ताकत पर जो सरकार बनी रहेगी वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे आवाज उठाएगा? ये साधारण बात है क्या? खाद्य सुरक्षा मामले की जो मंत्री हैं, उनके तक, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, उनके तक पैसे पहुँचते हैं। मार्केटिंग अफसर कैसे लेता है 200 रुपया प्रति क्विंटल? वो कैसे लेता है? ऑफिस में बैठ करके टेबल पर पैसा लेता है, और कोई इसका शिकायत करने के बाद सुनने वाला नहीं है। सर, आपका पूरा नाम क्या हुआ? अजय कुमार, नेता विधायक दल CPIM। सही बीज मिले इसलिए हम लगातार किसान कार्यालय को घेरने का हम काम करेंगे। हम बताना चाहते हैं माननीय विधायक जी, हम भी एक किसान परिवार से आते हैं। जिस समय रैयाम लोहत सक्री चीनी मिल इस जिला में चलता था, उस दिन मेरे परिवार में भी रैयाम चीनी मिल से 1 एकड़ प्रति वर्ष जमीन खरीदा जाता था। इस इलाके का किसान एक का पैसा से लोग बेटी का शादी करता था, माँ बाप का सूद शराब करता था, मकान बनाता था। लेकिन आज क्या है, जो किसान है अगर बेटी की शादी करना हो उसको खेत बेचना पड़ता है, अगर मकान बनाना हो तो खेत बेचना पड़ता है, इस तरह माँ बाप का अगर सोई शराब करना हो तो खेत बेचना पड़ता है। इस सवाल को आप उठाइए कि मधुबनी जिला के लोहट जो चीनी मिल है उसको चालू कर दिया जाए,
दरभंगा जिला के सकरी और रैयाम में नया चीनी मिल लगाया जाए। अगर वह चीनी मिल लगता है तो मधुबनी और दरभंगा जिला के जो किसान हैं वे खुशहाल हो जाएंगे। इस सवाल को आपको उठाना चाहिए मित्रों और भाइयों, इस बात को हमको बोलना चाहिए। माननीय विधायक जी ने आपके प्रखंड आपके गांव से लेकर बिहार सरकार और केंद्र सरकार के एक एक बात को आपके बीच में रखे हैं। हम भी गंभीरता से उनकी बात को सुन रहे थे और हम निश्चित रूप से उनकी बातों पर मंथन करेंगे और आने वाले समय में हमको भीतर से जगाने का काम किए हैं। उन्होंने कहा कि बीएसपी से यह आंदोलन तेज होगा, इसलिए इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी पर विराम लेते हुए हम बीएसपी की धरती पर पुनः माननीय विधायक जी और राज्य सचिव